नमस्ते। नमस्ते दोस्तों, पुनर्वापसी परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप भी ये जानते हैं कि आज बहुत दिनों के बाद हम लोग एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। बीच में एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, लेकिन अब उसके बाद ये लगभग 5-6 महीने के बाद ये आज हमारे पास समय मिला है, तो हम लोग आज अपने फार्म पे हैं और एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए है। और ये इस वीडियो का टॉपिक ये होगा कि बहुत लोग असमंजस में रहते हैं, क्योंकि हम खुद भी असमंजस में थे कि जब हम अपनी गौशाला खोलना चाहते थे, मतलब कि गौशाला को आप अपने घर से कितनी दूरी पर खोले तो बेहतर होगा, या नजदीक खोले, दूर खोले, कितना दूरी होना चाहिए और उसका क्या फायदा क्या नुकसान। और वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि हमारा मंतव्य क्या है, हम इसके बारे में क्या सोचते हैं, है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले ये हमारा जो आज का टॉपिक है कि गौशाला जो है अपने घर से कितनी दूरी पर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों के पास अपना जमीन शहर में नहीं होता है। बहुत लोग गौशाला शहर में खोलते हैं, बहुत कोई शहर से दूर खोलना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा जमीन हो, ज्यादा एरिया हो, ज्यादा हरा घास हो, ये सारी ETC सारी बातें। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं कि फार्म अगर गौशाला से, यानी कि घर से गौशाला अगर दूर है तो उसका क्या फायदा क्या नुकसान। तो पहले जी हम लोग बात करेंगे नुकसान के बारे में, उसके बाद हम लोग आएंगे फायदा के बारे में। तो रश्मि, पहले आप बताइए, चूंकि हमारा फार्म जो है हमारे घर से जो शहर में है, कांके, रांची के कांके में, झारखंड, तो जी वहाँ कांके से आपका ये फार्म जो हमारा है वो करीब 20 किलोमीटर दूरी दूरी है। है। तो इस दूर होने का आपको क्या क्या पहले नुकसान होता है, पहले नुकसान के बारे में बताइए। जी देखिए, गौशाला अगर घर से नज़दीक होता है उसका तो फायदा होता ही है, लेकिन हाँ, हमारा फार्म जो है लगभग 20 किलोमीटर हमारे घर से दूर है। तो सबसे पहला दिक्कत तो ये हो जाता है कि हम यहाँ पे 24 घंटा तो रह नहीं सकते हैं। कभी हम सुबह में 1 घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए आ गए, शाम में 2 घंटा के लिए आ गए, तो वही 2 या 4 घंटा हम फार्म पे दे सकते हैं। 24 घंटा में वो चार मतलब घंटा हम लोग मुश्किल से 2 घंटा दे पाते हाँ हैं, यानी दो कभी हाँ सुबह को आए या तो कभी शाम शाम को में आए। आए, तो वो चीज़ है। दूसरा समस्या ये आता है ना कि यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है मेडिकल फैसिलिटी का, जो हम हमेशा सारे वीडियोज में बताते आए हैं। एक तो यहाँ डॉक्टर्स मिलते नहीं है ढंग के, मिलते भी अगर हैं तो अगर जानते हैं कि ये टाउन से 20 किलोमीटर दूर गौशाला है तो वो आने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अगर कुछ एक दो तैयार भी होते हैं तो काफ़ी हाई प्राइस अपना फीस रखेंगे कि नहीं हम जाएंगे तो हम इतना फीस लेंगे, तो ये सारी समस्या है। दूसरी बात है कि मतलब वो आपको नॉर्मली जो ऐसे 200, 300 या 500 डॉक्टर हाँ, लेते हैं, उसके लेकिन लिए आपके लिए दो अगर हजार अगर रुपया शहर से लेंगे दूर है तो वो डायरेक्ट बोलेंगे कि कम से कम तो 1,000 रुपये मिनिमम मुंह से हाँ निकलेगा, निकलेगा 1,000, 1,500, 2,000 रुपया आपको एक विजिट के लिए वो हाँ मांगेंगे। आप अगर चाहेंगे कि परमानेंट डॉक्टर को रख ले तो वो भी उतना दूर लोग जाना नहीं चाहते हैं, और डॉक्टर लोग जो वेटनरी में खास करके होते हैं, पता नहीं, शिकायत नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये फैक्ट है, अपने आप को नवाब समझते हैं। वो सोचते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं जाऊँगा उतना दूर जंगल में। यार भैया, तो आप डॉक्टर बने क्यों जब आप गौ सेवा आप कर नहीं सकते हैं? सही बात आप है गौ का मतलब वेटनरी का मतलब सबसे बढ़िया हम लोग एनिमल्स में क्या गौ माता को मानते जी। हैं ना, कि आप मतलब नहीं, आप सारे एनिमल्स अच्छे हैं, लेकिन हाँ, आप मतलब गौ माता एक ऐसी चीज़ है जिनको हम माता का दर्जा दिए हैं, जो आपको इतना कुछ बदले में देती है, तो आप मतलब उनके लिए थोड़ा सा, उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके लिए अगर आप नहीं पहुंच सकते हैं 5-10 किलोमीटर दूर, तो फिर ऐसे डॉक्टर होने का कोई फायदा नहीं है। इसका दूसरी अब हाँ नुकसान बता रहे हैं। अब इसके लिए अब हम लोग प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग के नुकसान ये है कि बहुत सारी गौ माता है, इसमें से हम लोग की 4-5 ऐसी गौ माता है जिनको प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रहा है, कुछ को जैसे इन्फेक्शन आ रहा है, तो उसको हम लोग जैसे अब डॉक्टर को बुलाना चाहे तो डॉक्टर उसका अपना नखरा है, अब हम लोग काम चलाना पड़ता है कंपाउंडर लोगों से, तो वो पता नहीं वो उतना इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा हमें संतुष्ट नहीं कर पाता है, जबकि सेवा लिए हैं थोड़ा बोरा चीज़ में, छोटा मोटा चीज़ है उसमें तो उनका सहायता मिल जाता है, लेकिन जहाँ कुछ बड़ा इश्यू आता है, जहाँ एक लॉन्ग टाइम तक उनका ट्रीटमेंट करना होता है, वहाँ पे उनको परेशानी होता है। तो अब हमें क्या है कि अब हम भी अब घर के आसपास या टाउन में ही कोई एक छोटा सा प्लॉट और ढूंढ रहे हैं कि ताकि वहाँ पे अपने गौ माता को हम लोग अपने रखेंगे, मतलब जो बीमार जिनका ट्रीटमेंट या जो प्रेगनेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको वहाँ पे रख के डॉक्टर से हम लोग उनको एक लॉन्ग टाइम तक, महीना 2 महीना के ट्रीटमेंट चलेगा, उसके बाद ट्रीटमेंट होने के बाद फिर ना फिर वापस हम लोग फार्म पे ले लेके आएंगे। आएंगे। तो ये सबसे बड़ा एक इशू, ये नुकसान हो जाता है। हाँ, दूसरा ये होता है हमारे साथ, देखिए हमारा दूध जो है पूरे रांची टाउन में सब जगह डिलीवर होता है, मतलब रांची से कांके, सिंगमोड़ एरिया, नामकुम, हरमू, अरगोड़ा, और वो लगभग पूरा रांची का एरिया हमारा कवर हो रहा है। तो यहाँ से लगभग आप सोचिए, मतलब सुबह का डिलीवरी लगभग 150 किलोमीटर है, शाम का डिलीवरी 100-120 किलोमीटर के आसपास है।
तो यहाँ से डिलीवरी उतना ही चैलेंजिंग है। दूसरी मतलब बात है कि हमारा चाहे जो गर्मी का मौसम हो, बारिश का मौसम, अभी आप देख रहे थे रांची में मौसम 4 दिन से इतना लगातार बारिश, लेकिन उस मौसम में भी हमारा डिलीवरी हो रहा है, तो वो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है जब आपका फार्म मतलब टाउन से इतने डिस्टेंस पे है। यहाँ से एक तो आपको टाउन पहुँचना है, फिर टाउन में सोचिए हर घर में डोर टू डोर जाकर डिलीवरी करना, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। स्टाफ लोग करते हैं, कुछ लोग सच में बहुत स्टाफ हमारे बीमार पड़ जाते हैं टाइम पे, फिर स्टाफ अवेलेबल नहीं मिलता है, फिर दूसरे को बुलाओ, बहुत तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। मतलब मेन टाउन से हमारा घर थोड़ा सा दूर है, लेकिन टाउन में ही है, लेकिन टाउन का जहाँ खत्म होने वाला होता है हमारा घर वहाँ पे। यानी कि अगर मेन सेंटर से अगर टाउन से लेंगे और यहाँ पे तो 30 किलोमीटर, यानी कम से कम 30 और 30 60 किलोमीटर तो आपका ऐसा ही एक टाइम का एक्स्ट्रा हो गया। क्या 30 किलोमीटर मान ली, उतना दूर कम से कम तो मतलब सिर्फ गया टाउन टच करने का टच 20 करने का का तीस और बीस फिर टच किलोमीटर करके ये फिर आया यहाँ से 30। लेके 20 किलोमीटर तक कोई डिलीवरी नहीं है, बीस हाँ किलोमीटर के बाद डिलीवरी स्टार्ट होता है। तो हाँ यहाँ से सोचिए जो 20 किलोमीटर है वो तो एज इट इज मतलब उतना ही एवरेज डाउन मेहनत। से ले तो अभी तीस हाँ किलोमीटर हुआ ना, हाँ हाँ तो वही, 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा हो वो गया। एक्स्ट्रा हो जाता है। और उसके बाद कम से कम तो समझिए 100 किलोमीटर और पूरे रांची शहर में घूम घूम के डिलीवरी होता है, तो इसका टाइम टेकन ज्यादा हो जाता है। मतलब आप कितना भी अर्ली मॉर्निंग करेंगे फिर भी आप डिलीवरी करते करते आपका 11 12 आपका अभी तक बजेगा। देखिए जो सुबह मॉर्निंग में निकले हैं 7 बजे डिलीवरी के लिए, वो अभी तक वापस अभी नहीं कितना आया, टाइम हो रहा है, 12 बज रहा है 12 बज रहा और है, लेकिन अभी अभी तक नहीं जबकि वापस आया। सुबह में हमारी 2 गाड़ी जाती है, शाम में भी हमारी 2 गाड़ी जाती है, 2 बंदे को भेजते हैं हम, उसके बावजूद भी अभी तक दोनों स्टाफ में एक स्टाफ भी अभी तक पहुंचा नहीं है। टाइम अलग और फ्यूल खर्च, अगर आप हाँ पेट्रोल बाइक अगर आप रखे हैं तो फिर आपका पेट्रोल में भी हाँ वो भी है, आपका, वो भी जाता है हमने इससे इलेक्ट्रिक। बचने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी लिया है। इलेक्ट्रिक स्कूटी में कुछ कुछ हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कोई कुछ कभी कभी कोई कोई एक दो पार्ट मिलने में कभी प्रॉब्लम होता है, तो आपका सर्विस सेंटर में भेजने में फिर आपको सप्ताह 10 दिन आपका बाइक या स्कूटी हाँ वहाँ अभी पे हमारा एक रह जाता स्कूटी, है। इलेक्ट्रिक स्कूटी अभी सर्विस सेंटर में पड़ा हुआ है 1 सप्ताह से। हाँ, लेकिन स्कूटी इलेक्ट्रिक स्कूटी रहने से आपका डिलीवरी आसान है आपको उसमें। हाँ, बीच में अगर चार्जिंग प्रॉब्लम आता है तो आप कहीं पर किसी कस्टमर के यहाँ डिलीवरी चार्ज कर लेते हैं। आसान, देखिए डिलीवरी तो आसान कभी नहीं था, चाहे वो इलेक्ट्रिक रहे चाहे वो रहे। नहीं, हाँ ये पैसा के पॉइंट हाँ ऑफ व्यू हाँ से हाँ अगर फाइनेंशियल आपका पॉइंट ऑफ पैसा व्यू से बात कीजिएगा तो हाँ बचता है आपका कुछ पैसा, बचता है। ठीक है ये चीज़ है, डिलीवरी तो उतनी मुश्किल है चलिए क्योंकि वही दो कंडीशंस नुकसान हो गया। फॉलो है। और बताइए और हाँ क्या इसके नुकसान, बाद देखिए जो स्टाफ्स होते हैं यहाँ, जैसे हमारे यहाँ से हेल्पर से पलामू, इधर भी आते हैं। हमारे यहाँ जो स्टाफ हैं वो लगभग पलामू से, बिहार से, मुजफ्फरपुर और ये बख्तियारपुर, ये सब जगह से हमारे यहाँ स्टाफ काम कर रहे हैं। तो जब वो लोग गांव से आते हैं ना, तो उनकी मेंटालिटी होती है कि वो शहर में जाके, टाउन में, शहर में काम करने जा रहे हैं। तो जब वो शहर में आएंगे और यहाँ शहर से भी दूर उनको यहाँ 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर में अगर काम मिलेगा तो वो लोग नहीं करना चाहते, वो लोग सोचते शहर के बीच में रह के काम करना चाहते हैं। तो एक ये भी होता है, बहुत स्टाफ रहना मतलब नहीं स्टाफ चाहते। का भी ये होता है, स्टाफ हाँ भी ये भी चाहते हैं होता, यार टाउन में रहे तो उनको सारा फैसिलिटी मिल हाँ जाए वो ये सोच के ही और आते हैं कि हमको शहर में काम करना है। शहर में काम करना हाँ है, और जब वो तो दूर जाएंगे बोले यार गांव छोड़ के तो आ तो ही फिर गए, गांव में अब चले ही गांव में ही आ गए। गए तो तो वो भी, ये भी एक है ये। ये तीसरा एक इसी बात हाँ होता ये है। भी होता है और बताइए। एक्चुअली। और ये भी होता है कभी कभी रात में, जैसे कुछ गाय का डिलीवरी होता है, कॉम्प्लिकेशंस ये सारा कुछ होता है, इमरजेंसी में जैसे हमें भी पहुंचना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होता है। जैसे मुझे ड्राइविंग नहीं आती है तो मुझे अब ड्राइवर ये बात चाहिए ये बताना नहीं होता चाह रहे थे, रास्ते में मना करी तो मैं ये बात नहीं बोलूंगी नहीं हाँ बोलूंगी, देख खुद तो ही बता रही कई हूँ। बार ऐसा होता है कि जैसे अगर ड्राइवर ना हो तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आप कहीं से किसी, अगर अरमान रहे तो अरमान के साथ आ गए, अगर अरमान नहीं है घर पे तो फिर कोई ड्राइवर चाहिए होगा, तब मैं आके फिर यहाँ पे आके अटेंड कर सकती हूँ कुछ इमरजेंसी केसेस में। तो ये प्रॉब्लम होती है। अब मान लीजिए अगर मेरा घर नज़दीक होता तो वॉकिंग डिस्टेंस भी हुआ तो आदमी आ गया, ये सब हाँ, मतलब चीज़ें घर हैं। नज़दीक होने से कि आप बस बाहर गए या गए तो आप वहाँ पहुँच गए, या थोड़ा दूर पे है तो आप पैदल भी चले गए, लेकिन जब 20 25 किलोमीटर 30 या 40 या 50 किलोमीटर और लोग फार्म खोलते हैं उस कंडीशन में फिर आपके लिए वहाँ पहुँचना वक्त पे आपके लिए भी डॉक्टर्स के लिए भी सबके लिए दिक्कत वाली बात है। चलिए 3 4 समस्या हो गया, और बताइए। ओवरऑल मुझे और अपना, ये जो राशन जो पहुँचने में पहुँचाने हाँ ये में, है देखिए जितनी भी अभी एक्चुअली हमारा देखिए उतना लैंड सफिशिएंट नहीं है कि हम अपना ग्रीन फाउडर और ये सब कुछ उगा के दे रहे हैं। सारा कुछ हमारा मार्केट से परचेस कर रहे हैं हम लोग, चाहे वो साइलेज हो, चाहे वो कुट्टी, चोकर, जो भी मतलब खाना, करीब खली हम लोग वली जो पास भी है। 60 65 कम से तो कम गाँव आता है, तो उसके हाँ लिए तो कम से हाँ कम हम लोग को 10 एकड़ तो जमीन हमारे चाहिए। यहाँ अपर बाजार पहाड़ी मंदिर के पास है, वहाँ से हम मंगवाते हैं। तो वहाँ से आने का जो ट्रांसपोर्टेशन मतलब उसका चार्ज तो हाँ, अलग है, वो फीड भी अलग फॉर ट्रांसपोर्टेशन हो जाता ट्रांसपोर्टेशन है। अलग से ले लेता है एक्स्ट्रा, एक तरह से इतना दूर आने का वो बोलिए आपसे डबल ले लेता है, तो वो अलग एक खर्चा बढ़ जाता है आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं प्रॉब्लम जो मतलब आपको जब दूर आपका है फार्म शहर से, तो बहुत ये सारी लोग चीज़ें दूर फेस फार्म करना खोलना पड़ता है चाहते हैं, लेकिन दूर का अपना फायदा भी है और और बहुत नुकसान भी। नुकसान चलिए भी। अब हम लोग नुकसान के बात को यहाँ पे रोकते हुए अब फायदा का बात करते हैं। फायदा, सबसे बड़ा फायदा मेरे समझ से गौ माता का खुशी है।
हम लोग गौ माता, हम लोग गौशाला खोले तो क्यों खोले, गौ ताकि हम लोग गौ का सेवा कर सके। और गौ सेवा अगर आप करना चाहते हैं और गाय को खुशी अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा फिर आपको फायदा, आपको अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। हम लोग भले गौशाला से दूर हैं लेकिन दूर होने का अपना फिर भी एक सेटिस्फेक्शन लगता है, नहीं चलो ठीक है यहाँ पे, चूंकि हमारा फार्म जंगल में, फॉर्डर भले खरीदना हमें महंगा पड़ता है लेकिन गाय यहाँ पे चर भी लेती है, ग्रीन फॉर्डर अगर माली अवेलेबल ना भी हो तो वो थोड़ा बहुत घास खा के भी, जैसे अभी बारिश का मौसम था तो सफिशियंट, जैसा मतलब हरा घास आप देख सकते हैं सब जगह, ग्रीनरी आपको दिखेगा, हर जगह आपको दिखेगा। तो अभी के मौसम में गाय बहुत खुशी मन से पूरा चढ़ती है, गाय का स्वास्थ्य भी, हाँ स्वास्थ्य भी उतना ही अच्छा रहता है। तो ये तो है, देखिए आप टाउन से दूर जाते हैं तो आपको लैंड थोड़ा सस्ता मिलेगा, लैंड सस्ता मिलेगा तो आप ज्यादा लैंड होगा आपके पास तो गांव के लिए गौचर भूमि होगी आप उतनी। नजदीक में आप अभी खरीद लेंगे जमीन, महंगा पड़ेगा आप फिर भी खरीद लेंगे, कम खरीदेंगे लेकिन आपको इसका फिर जब फ्यूचर में जब आप देखेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। गौ माता के नाम पे आप जमीन खरीदेंगे, आप जो मतलब 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़, जितना जितना हैसियत हो खरीद लें, जितना दूर होगा। तो गाय का घूमने चरने के लिए अगर आप कहीं जंगल भी नहीं है तो फिर भी उनका अपना कंपाउंड है तो गाय चलते रहेगी, तो जैसे खाना खाई, खाना खाने पर जैसे हमें चल के उसे पचाने का जरूरत पड़ता है, बॉडी एक्टिविटीज करके गाय खाना डाइजेस्ट होता है, तो वैसे गौ माता को भी जरूरत पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे गौशाला में आप देखिए गाय का हेल्थ बहुत बढ़िया रहता है, एकदम यू मोटी मोटी, एकदम इतना मोटा मोटा हम दिखाई देगा और एकदम हट्टी कट्टी, लेकिन वो सिर्फ मोटी होती है, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है ऐसा हम नहीं कह सकते। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, गाय मोटी मोटी आपको दिखाई नहीं देगी लेकिन गाय जो खाती है उतना चलती है, उतना खेलती है, कूदती है आपस में, तो फिर उनका खाना बहुत अच्छे डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए वो खाना फिर उनको फैट नहीं भराता है लेकिन उनका अंदर से फिजिकली उनको बहुत स्ट्रांग रहता है। तो हमारे यहाँ गौ माता थोड़ा सा बीमार कम पड़ती है, कुछ कुछ ही गौ माता, खैर वो तो इंसान है या शरीर है भगवान बनाया तो वो बीमार वो होंगे, लेकिन हमें ठीक है फिर भी अगर डॉक्टर्स नहीं भी यहाँ पे आ पाते हैं तो भी हमारा काम चल रहा है, हाँ हमारा काम चल जा चल रहा है। तो ये भी बात है, गाय का अगर आप खुशी चाहते हैं गौ माता का तो आपको फार्म थोड़ा सा, अगर आपके घर के नजदीक ही है तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अगर आप नहीं मान लेते हैं ना कि मान लीजिए जिनका अपना खुद का अपना हाँ प्रॉपर्टी है बहुत अच्छा खासा है घर के हाँ पास ही वहीं है, पर अब तो घर बना बहुत लिया, बहुत लोगों का फार्म तो ऐसा है कि गौशाला है, गौशाला के अंदर ही उनका एक छोटा सा अपना सबसे घर भी बढ़िया है। कहना कि मतलब कि अगर आपके 5 एकड़ जमीन है और आप वहीं पे अगर फार्म हाउस बना लिए हैं और आप वहीं पे अगर रह रहे हैं तो इससे बेस्ट और इससे बेस्ट कुछ नहीं, कुछ कुछ हो नहीं हो ही नहीं सकता है। सुबह सकता। का शुरुआत आपका गौ माता का दर्शन हाँ करके होगा इससे और और आप कुछ हो अपने नहीं देख रेख सकता। में सब कुछ करवा सकते हैं। देखिए दूर होने का फायदा, दूर होने का फायदा नहीं होता है, दूर होने के बाद अगर आपके पास जो गाय की जो बेसिक नीड्स है ना हाँ उसको वो आप हाँ फुलफिल कर पा रहे, जैसे गाय के लिए क्या जरूरी है, एक अच्छा मतलब गौचर भूमि उनके लिए होना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी इजली अवेलेबल हो, खाना चारा सब समय पर उनके लिए पहुंच जाए, गौ सेवक उनके लिए अवेलेबल हो, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें उनको दूर रहे या पास में रहे, अगर ये सारी चीजें उनको मिल जाती जहां भी मिल जाए, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा है। मान ये लीजिए सब अगर कुछ हम आपको कैपेबल हैं, अगर हम कैपेबल हैं, अगर हमें एक अच्छा प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी मिल जाता है, एक डॉक्टर्स को हम हायर कर सकते हैं अपने यहाँ रख सकते हैं, तब तो कोई हाँ, दिक्कत नहीं लेकिन है, ये तब तो आप सर्विस दूर अगर में, अगर आप हाँ डॉक्टर हायर कर जैसे अगर लेते हम हैं 5-6-7 स्टाफ रख रहे हैं, अगर हम एक डॉक्टर को रख लेते हैं मंथली बेसिस पे, वो हमारे फार्म पे ही रहते हैं, रेगुलर चेकअप हो रहा है गाँव अच्छा एक एक बार, बात बताइए, रख सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं रख पा रहे, यहाँ यहाँ तो हमने शुरू से बताया यहाँ पे हमें मिल नहीं रहा तो यही तो हम सबके करना साथ चाह समस्या, रहे यही हैं तो सबके यहाँ, साथ समस्या होगा नहीं ना। नहीं ऐसे सबके साथ नहीं है, आप गुजरात राजस्थान जाइए वहाँ जाइए, वहाँ हर फार्म में एक डॉक्टर आपको मिलेगा, हमारे पर यहाँ ये चूंकि प्रॉब्लम है चूंकि वहां पर हमारे वैसा यहाँ। कल्चर बन चुका है हाँ वहां तो पे, वही चीज वहां बोल रहे पे हैं ना, ये लोग चीज हैं हमारे वैसे यहाँ प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, है। आप हरियाणा के फार्म में जाइए, पंजाब के फार्म में जाइए, गुजरात जाइए, राजस्थान जाइए, तो वहाँ बड़े बड़े गौशाला में उन लोगों ने अपने डॉक्टर से क्या और पता मिल हो भी सकता है जाते उधर हैं, भी प्रॉब्लम, हम लोग हाँ इधर का बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ ये थोड़ा उधर ज्यादा भी तो इश्यू है। गौशाला इतना खुलता है बंद होता मुझे है, जो लगता है रेशियो इधर कि है। गायों के हेल्थ को लेके या इसको लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं है लोग, इन लोगों ने वेटनरी की पढ़ाई तो कर ली है लेकिन वो जो होना चाहिए कि यहाँ जैसे ह्यूमन हमारे बीच में क्या होता है, अगर हम बीमार पड़ते हैं तो इमरजेंसी में 24 आवर्स इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आपके घर तक आप अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन इनके लिए वो चीज़ नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। कुल मिला के अब कंक्लूज हमने बात ही बात में कंक्लूजन भी बता दिया, ऑलमोस्ट बात वही है कि अगर आप कहीं पर भी हो, अगर आपके लिए वो डिस्टेंस रीचेबल है, आप आसानी से पहुंच सकते हैं या आपके घर के बगल में हो, तो उससे बढ़िया फिर कुछ और नहीं हो सकता है। आप वहाँ पर तुरंत अवेलेबल हो सकते हैं, आपको डॉक्टर फैसिलिटीज अगर आपके पास वहाँ पे है, चारा का फैसिलिटी अगर आपके पास है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे हैं तो यहाँ पे जैसे अभी धान कटनी होगा तो हम लोग बहुत आसानी से वो धान का वो जो पुआल जो होता है, चावल का जो पुआल होता है, वो कुट्टी हमें बहुत आसानी से फिर उसका वो मिल जाएगा, प्लस हरा चारा हमें मिल जाएगा, तो दूर होने का ये सारा फायदा है।
और अपना अपना देखिए सारा। मेरा अगर मानेंगे तो, अगर मान लीजिए कि अगर हम जैसे हम लोग 3 साल से जमीन ढूंढ रहे हैं, हम लोगों को नहीं मिल रहा है, हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा नजदीक भी मिल जाए, थोड़ा ज्यादा भी मिल जाए, लेकिन सारा टर्म्स रखने पे वो फुलफिल नहीं हो रहा है। तो ऐसा भी कर सकते हैं ना कि टाउन के नजदीक अगर हम 50 डिसमिल और 60 डिसमिल 70 डिसमिल भी अगर मिल रहा है, वहां पे अगर हम उसी जितना लैंड है उतना ही संख्या में हम गाय को रखें, और उसके बाद अगर हमें कहीं दूर भी, अगर मान लीजिए 20 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर तो दूर फिर भी तो जाना, गाय का फिर तो आप तो फिर शोषण करेंगे ना, फिर तो आप तो उनको बांध कहीं ना आप रखेंगे। नहीं अगर मान लीजिए कि मेरे पास 10 15 गाय है, ठीक है, और हम 40 50 डिसमिल में अगर रखे हुए तो हैं, रख के फिर तो आप उसको बांध के रखेंगे ना, फिर बांध के क्यों रखेंगे आप 24 घंटा 50 डिसमिल? उसमें वो घूमना और एक स्वतंत्र रूप से कम घूमना, नहीं गोचर भूमि वो तो घूमना और एक अलग, कंपाउंड के अंदर रहना, दोनों में बहुत नहीं फर्क वो है। तो अलग है, लेकिन देखिए और मजबूरी आप, 50 डिसमिल भी कितना घूमेंगे सो बताइए। तो यहाँ लेकिन से खुले फार्म, बस वहां से फिर लेकिन वापस फार्म आना भी होगा। आपको सरवाइव तभी करेगा ना जब आप मार्केट के टच में रहोगे, डॉक्टर्स आपके टच में होंगे, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल होगी, टाइम से आपका खाना गाय का चारा आ जाएगा। अभी इतनी बारिश के मौसम में ऐसा हुआ हमारे साथ कि कुट्टी मतलब लोड हो गया है, लेकिन बारिश इतना था कि हमारे तक पहुंच नहीं पाया। ऐसा भी हुआ एक टाइम गाय को हम खाना नहीं दे पाए, इस तरह का प्रॉब्लम होता है दूर ऐसा कब रहने हुआ पर। मतलब गाय को एक टाइम खाना नहीं हाँ दे ऐसा पाए? हुआ है कि सुबह आना कुट्टी गिरना था शाम में, अच्छा मौसम खराब होने के कारण नहीं गिरा, बिल्कुल स्टॉक खाली हो गया था, तो हम लोग एक टाइम को खाना नहीं दे पाए थे, फिर गाय को खुला चरने के लिए छोड़ दिया, तो लोग चढ़ के आए, फिर शाम में उन्हें खाना मिला। तो ये फायदा हुआ ना कि कम हाँ से कम तो आप हाँ खुला ये छोड़ वही दोगे, कम बोलते से कम हैं, चर के तो हाँ आ गए। एक तरफ आप फायदा देख रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी तो नुकसान है कि आपको टाइम पे वो खाना नहीं पहुंच पाया, गाय का राशन नहीं पहुंच पाया, तो बहुत सारी मिली जुली चीजें हैं, तो फायदा नुकसान सब चीजों का है। तो मेरा कहना ये है ना कि अगर मतलब पॉसिबल हो कि अगर हम थोड़ा नजदीक में भी, जैसे हम क्या सोच रहे हैं कि हमारा फार्म यहीं से चले, ठीक है 20 किलोमीटर है, मैनेजेबल है, अब आदत सी हो गई है हमारी, तो हम लोग यहीं से चलाएं। लेकिन अब जैसे हम लोग जमीन ढूंढ रहे हैं ना जहाँ पे हम लोग अपना खुद का ग्रीन फॉडर और जो भी साग सब्जियां ये सब चीज का हम लोग कर सकें, तो उसके लिए हम लोग, अब इससे नजदीक हम लोग को जमीन नहीं मिल रहा था, अगर इससे दूर भी अगर थोड़ा सा हम लोग जा रहे हैं, अगर मिल जाता है 4 एकड़ 5 एकड़, तो हम लोग वहां से क्या कर सकते हैं, इनका ग्रीन फॉडर उगा सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, एक तरह से वो फार्म के लिए भी सपोर्ट है, गाय के लिए भी हम लोग चारा उगा के ले आएंगे, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। दो कुल मिला के हमारे कन्वर्सेशन से आपको बहुत सारी चीज़ों का जवाब मिल गया होगा, जो आपके मन में सवाल चल रहा होगा उसका जवाब भी मुझे लगता है स्वतः आपको मिल गया होगा। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा ना खींचते हुए, और दोस्तों अगर आपको हमारी बातें पसंद आई होंगी, अगर अच्छी लगी होंगी, फैक्ट लगी होंगी, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे हम कुछ और भी वीडियो बनाएंगे जो हमारे माइंड में है। आप नेक्स्ट वीडियो का भी इंतजार करें, बहुत अच्छे वीडियो आपके पास आएगा। धन्यवाद। नमस्ते।